सेशन है उसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं डिफॉल्ट राउटिंग इन ERP। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक तीन राउटर की टोपोलॉजी बना लिया हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1.1.1.1। मैं दिखा देता हूँ कि IP एड्रेसिंग स्कीमा क्या असाइन किया है मैंने। तो इस साइड में मैंने दिया 1.1.1.2। डॉट 2.2.1 2.2। ठीक है, यहाँ पे मैंने और एक चीज क्रिएट किया है जैसे कि लूप बैक। ठीक है, लुपबैक भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, इंटरनल राउट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक लुप बैक बना लेता हूँ मैं 13.0.0.1 13.0.0.2। ठीक है, सॉरी 1.1। ठीक है, ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था तो मैं यहाँ से ERP का कॉन्फ़िगरेशन उड़ा देता। नो राउटर ERP 100। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि होता है कि नहीं यहाँ पे वर्क। तो यहाँ पे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रैक्टिकल आज का स्मूथली हो सकता है। सेम ऐसे यहाँ से भी हटा देता हूँ, नो राउटर ERP 100। ओके, एंड द डिफॉल्ट राउट आई हैव विच आई हैव कॉन्फिगर वो भी हटा देता हूँ ताकि एक फ्रेश कॉन्फिगरेशन हो जाएगा हमारे पास। जो भी कॉन्फिगरेशन हटाना है ना आपको उसके सामने में सिंपल नो लिखना है। ठीक है, हाँ सर, कोई भी रहे, वेदर इट इज राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सेस लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट, राउट मैप, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट, लीप, ERP, एनीथिंग। नाउ सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे तीनों राउटर के ऊपर बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो लेट्स सी बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं राउटर वन के ऊपर चेक करता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। सो यू कैन सी हियर आई हैव डन द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई डाउट है R1 के ऊपर? नहीं सर, देख लो करेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर, 1 1 1 ओके, है, देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ठीक है, इंटरफेस एंड आईपी एड्रेस चेक करना है, दैट्स इट। सेम एज राउटर टू के ऊपर दिखाता हूँ मैं आईपी एड्रेसिंग स्कीमा, देखो इज इट करेक्ट। लुक बैक 2020, हाँ सर, हो गया, ओके, ठीक है, एंड राउटर थ्री के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये तो कमांड यहाँ पे नहीं चलेगी तो इसलिए मैं डू लिखा के चला रहा हूँ। ठीक है, चल रहा है। यहाँ पे क्या मिसिंग है? दो लुप बैक मिसिंग है, राइट? हाँ ठीक है, तो दो लुप बैक क्रिएट कर लेते हैं। इंटरफेस लुप बैक वन, IP एड्रेस 13.0.0.1 2525.2.2.5.0, नो शट डाउन। इंटरफेस लुप बैक टू, IP एड्रेस 13.0.1.1.2552, नो शट डाउन। ओके, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, नाउ यू कैन सी इज इट करेक्ट नाउ। सर, ठीक है, द सेम रिक्वायरमेंट फॉर द डिफॉल्ट आउट फॉर डिफॉल्ट राउटिंग जस्ट कंसिडर दीज आर माई इंटरनेट नेटवर्क्स, राइट? जितने भी ये मेरे पास आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं ये सभी के सभी मेरे पास मेरे इंटरनेट नेटवर्क्स हैं। ठीक है, इंटरनेट राउट्स बोल सकते हैं हम लोग। अभी ये जो मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था, तो ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर है राउटर थ्री। ओके, उसके बाद में R2 इज माई HQ एंड R1 इज माई क्लाइंट लोकेशन। ओके, तो सबसे पहले राउटर टू से 30 एंड 13 के नेटवर्क के पास जाना है। तो लेट्स सी हम लोग जा पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ, होस्ट नेम HQ। शो IP राउट, सो आई कैन सी देर इज नो राउट ऑफ 30 एंड 13, राइट? तो अगर मैं 30 को पिंग करने की कोशिश करता तो पॉसिबल ही नहीं, होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है।
क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज नेटवर्क है ही नहीं हमारे पास, राइट? नाउ सेम एज राउटर वन के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ तो होगा ही नहीं। इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाया। जब तक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाएंगे एक दूसरे को नेटवर्क शेयर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं राउटर वन के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करता हूँ ईआरपी के अंदर। सर राउटर वन पे करना है क्या सर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन? यस करना है ना, ईआरपी तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा। राउटर ईआरपी 100 नेटवर्क 10.0.0 नेटवर्क 1.0.0 ओके दैट्स इट। इसके बाहर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। नाउ लेट्स जंप टू द राउटर टू। राउटर ईआरपी 100 नेटवर्क 1.0.0 नेटवर्क 2.0.0 नेटवर्क 20.0.0 डन। राउटर थ्री के ऊपर ओनली टू का नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, इंटरनेट राउट्स मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। हेलो यस बोलो। तो सर डायग्राम देखो सर एक बार। हाँ सर मतलब जो हमारा आर टू है यस उसमें सर सिर्फ आपने 1.1.1.0 का नेटवर्क ही मतलब ये किया है ना कॉन्फ़िगरेशन? आर टू के ऊपर मैंने दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज किए। देखो सर अगर आर वन पे भी अगर एक नेटवर्क डाल दिया है, आर टू पे भी दो नेटवर्क डाल दिए और आईएसपी पे भी नेटवर्क डाल दिया है 2.2.2.0 का, करेक्ट, तो सभी राउटिंग टेबल शेयर कर लेगा ना सर? मतलब आर वन भी कर लेगा ना? मतलब आर वन से पिंग 2.2.2.2 जो करेंगे पिंग तो होगा ना सर फिर? देखो मैं बताता हूँ। राइट राइट करेक्ट करेक्ट दैट इज ओके। आर वन ने क्या किया है, आर वन क्या बोलता है, आई कैन शेयर 1.0.0.0 नेटवर्क एंड 10 का नेटवर्क, राइट? आर टू क्या बोलता है, आर टू बोलता है मैं 2 का नेटवर्क एंड 1 का नेटवर्क शेयर करूंगा एंड 20 का नेटवर्क भी शेयर करूंगा। आर थ्री बोलता है मैं डायरेक्टली कनेक्टेड 2 का नेटवर्क ही शेयर करूंगा बट आई कैन नॉट शेयर दिस राउट्स। तो जो आर वन है, आर वन यहाँ तक तो रीच कर पा रहा है लेकिन आर वन इंटरनेट के पास नहीं जा रहा है, ये हमारा कंसर्न। अंडरस्टैंड? हाँ, नहीं मुझे लगा कि वो राउटिंग टेबल अगर शेयर कर देगा तो मतलब जो अपना आर थ्री है उसमें हम नेटवर्क ऐड नहीं करेंगे ये वाले 13.0.0.1। देखो अगर मैंने ये नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए तो वो तो आर वन के पास ऑब्वियसली आ ही जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें इंटरनेट राउट्स एडवर्टाइज नहीं करना है बिकॉज हमें पता ही नहीं वो राउट्स कौन से, राइट? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर हमारे हमें अपने वाले राउट्स नहीं देता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आर वन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ। तो चेक करता हूँ मैं यहाँ से 2.2.2.2 तक पिंग होता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। हो रहा है, पिंग करता हूँ 30.30.30.30 जो कि लुकबैक है लेकिन नहीं होगा बिकॉज राउट्स ही नहीं है। अभी जो आर वन है, अभी आर वन के ऊपर हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। एनी कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैव टू डू इट ऑन राउटर टू ओनली बिकॉज राउटर टू इज आवर हेडक्वार्टर। तो राउटर टू अननोन डेस्टिनेशन के लिए कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेगा? डिफॉल्ट, राइट? तो चलाएंगे आईपी राउट 0.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 0
मिल गया नया वाला. सो लेट्स सी, पिंग हो रहा है, करेक्ट है. मतलब तीनों लुकबैक को पिंग हो रहा है इंटरनेट आउट. बट नाउ द कंसर्न इज हियर, आर वन से भी होना चाहिए सर. फिर से क्यूरियस है, मतलब आर टू से हमने अगर 13.0.0.1 को किया तो पिंग नहीं होगा ना? होगा ना पिंग, क्यों नहीं होगा? मतलब ये जो हमारा आर थ्री है उसमें हमने वो वाले मतलब जो भी है 13.0.0.1 ये असाइन नहीं किए ना अभी तक? किए किए. ये क्या है, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है ना, ये क्या है? ये कॉन्फ़िगर कर दिए तो कॉन्फ़िगर किया है मैंने इसको, राउटिंग टेबल में एडवर्टाइज नहीं किया है. अंडरस्टैंड? डिफॉल्ट राउट क्या बोलता है, डिफॉल्ट राउट बोलता है मैं अननोन डेस्टिनेशन के लिए हूँ. तो आर टू के लिए तो ये अननोन हो गए सभी के सभी, ये ऑरेंज कलर में जितने में सब अननोन होंगे. तो आर टू अपना ट्राफिक 2.2.2.2 के पास भेज रहा है, और आर थ्री जो आई एस पी है, आई एस पी के ऊपर जो भी नेटवर्क है उसको वो कनेक्ट कर रहा है, उसको वो पिंग पोंग कर सकता है. राइट? हाँ, ठीक है.
अभी हम लोग जा रहे हैं आर वन के ऊपर, सो आर वन से जब मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ 30 के नेटवर्क को, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिपीट काउंट 100 लगा के रखता हूँ, 1000 लगा के रखता हूँ। ये रिपीट काउंट 1000 क्या है पता है सर? मतलब फिर से हर मतलब पिंग करते रहेगा कितना टाइम? 1000 तक, राइट, एग्जैक्टली। अभी मैं इसलिए लगा के रखा हूँ ताकि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कॉन्फिगर कर, राइट हैंड साइड पे कुछ कॉन्फिगर करूँ तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आर टू के ऊपर मैं देखता हूँ यहाँ पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, शो आई पी प्रोटोकॉल चला के देख सकते हैं हम लोग, शो आई पी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ई आई एस पी प्रोटोकॉल चल रहा है, करेक्ट, एज वेल एज यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैटिक प्रोटोकॉल भी चलाया, डिफॉल्ट प्रोटोकॉल, राइट। ओके, नाउ मैं ई आई एस पी के अंदर राउटर ई आई एस पी 100 इसके अंदर रेडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ किसको? स्टैटिक को, मैट्रिक 1111। ओके, अभी जैसे मैं एंटर करता हूँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है आर वन के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 एंटर, जा रहा है पैकेट? हाँ सर। फिर से एक बार पिंग करके देख लो, इसका मतलब अभी आर वन जा रहा है वहां तक। अभी तक मैंने आर वन के ऊपर कुछ भी कॉन्फिगर नहीं किया एक्सेप्ट द राउटिंग प्रोटोकॉल। आर वन से अगर मैं 13.0.0.1 को पिंग करता हूँ उसको भी जा रहा है, एंड 30.1.1.1 को कर रहा हूँ उसको भी जा रहा है। दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म डिफॉल्ट आउट इन ई आई आर पी। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। अभी कोई डाउट है पूछ लो एक बार, देख लो या तो फिर। आर टू में अगर डिफॉल्ट राउट डाला तो मतलब पूरे के पूरे जो भी नेटवर्क है वो सभी आ जाएगी उसके टेबल में? राइट राइट, हाँ, मतलब जो आर टू के पास जो नेटवर्क्स आ रहे हैं ना वो सभी के सभी नेटवर्क्स वो आर वन को शेयर कर देगा। ठीक है सर, अभी अभी आर वन, यस, अभी आर वन जो हमारा क्लाइंट लोकेशन है, अगर यहाँ पे आप शो आईपी राउट करोगे तो आपको यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिलेंगी विच इज डी ई एक्स। ई एच आर पी में एक्सटर्नल राउट्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल राउट्स मतलब कौन सा? 170 जो कि है हमारे पास स्टैटिक डिफॉल्ट राउट। अंडरस्टैंड? यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, हाँ सर, सर अभी एक डिफॉल्ट जो नेटवर्क है, हाँ डिफॉल्ट नेटवर्क का जो एक है ना सर, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और एक सेकंड मेथड है ना हाँ दैट आईपी डिफॉल्ट राउट वाला ना, आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क टू राउट, दैट इज नॉट वर्किंग हियर, सम इट इज नॉट वर्किंग हियर, बट इफ यू वर्किंग इन अ रियल प्रोडक्शन नेटवर्क ना तो वहाँ पे भी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करो, इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। हमारा तो कंसेप्ट यही है कि किस तरीके से मिल सकता है। सो वी हैव मेनी ऑप्शन, जैसे कि मैंने बता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, विच ऑप्शन यू हैव टू चूज दैट इज इन योर हैंड। लाइक जैसे कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास पल्सर खरीदना है करिश्मा खरीदना है, दैट इज इन योर हैंड, राइट। ऑप्शन मल्टीपल है, कैसे कहाँ पे यूज करना है ये हमारे हाथ में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी मैं आर वन एंड आर टू के बीच में ऑथेंटिकेशन करता हूँ, इसे जरूरी नहीं आर वन आर टू के बीच में करो, कहीं पर भी कर सकते हो, पॉसिबल है। तो मैं आर वन एंड आर टू के बीच में कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन। ई आई एस पी ऑथेंटिकेशन इज बेसिकली यूज फॉर द नेबरशिप एंड ऑथेंटिकेशन पर्पस। तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अभी कौन सी चीज का ध्यान रखना है, कैसे कॉन्फिगर करना है, ये हम ये चीज सीखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले मैं जा रहा हूँ आर वन के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया था ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन इज बेसिकली फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग जो ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी हम लोग MD5 ऑथेंटिकेशन यूज करने वाले हैं। इट इज द सेम ऑथेंटिकेशन विच वी हैव यूज वाइल डूइंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राइट। ओके, तो हम लोग जब रिप का कॉन्फिगर किया था तो क्या किया था, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैं R2 का भी कॉन्फिगरेशन थोड़ा सा निकाल के रख देता हूँ ताकि हम लोगों का कॉन्फ्यूजन साइड बाय साइड स्मूथ में हम लोग वर्क कर सकते हैं। अभी मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, इजी हो जाएगा समझने के लिए, R2। ओके, नाउ R1 के बाद सबसे पहले शो आईपी राउट चेक कर लो, सभी राउट्स आ रहे हैं, 2 का नेटवर्क, DEX नेटवर्क एंड 20 का नेटवर्क सब आ रहे हैं, राइट। ओके, R2 के पास भी सभी आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ओके, नाउ सबसे पहले जब भी हम लोग ऑथेंटिकेशन करते हैं तो बेसिक रूल इज वी हैव टू क्रिएट अ की, राइट, जो कि हम लोगों को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी सेम की हम लोग क्रिएट करने वाले, की चेन, की चेन का नाम दे दो CCNP। ओके, उसके बाद
की का नंबर कोई भी दे सकते हो आप, मैं की वन दे रहा हूँ, इतने सारे कीज है, आप कोई भी नंबर दे सकते हो। उसके बाद बताओ की स्ट्रिंग, की स्ट्रिंग आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि ठीक है सिस्को दे देते हैं, सिस्को ठीक है। अभी ये ना हमेशा लोकल पे वर्क करता है, सो समटाइम्स की स्ट्रिंग अगर मिसमैच भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर टू, बिकॉज आपका की सेम होना चाहिए, ठीक है। तो या तो फिर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे ना तो कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है, डन। नाउ जैसे मैंने की बनाया, जैसे कि हम लोग, मैं यहाँ पे हमेशा बोलता हूँ हमारे पास डोर का की है, लेकिन जब तक हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शो आईपी राउट अभी चेक करता हूँ तो अभी भी मुझे पूरा का पूरा राउटिंग टेबल दिख रहा है, आउटपुट देखने को मिल रहा है। अभी मैं ऑथेंटिकेशन को डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो ऑथेंटिकेशन को डिप्लॉय करने के लिए मुझे इंटरफेस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटरफेस है वो है इथरनेट 0/0 दिख रहा है, एंड राउटर टू के ऊपर इथरनेट 0/1, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंटरफेस इतने 0/0, डन, ओके। नाउ आईपी ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क डालो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ऑप्शन, तो हम लोग यूज करेंगे मोड। अभी कौन सा मोड है, ये ईआईएलपी प्रोटोकॉल यूज करें, ईआईएलपी का ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 100 यूज करें, और हम लोग जो ऑथेंटिकेशन यूज करें विच इज MD5, डन, एंटर करो, डन। अभी यहाँ पे एक लॉग जनरेट हुआ, तो लॉग जनरेट हुआ तो ये क्या बोलता है, आपका नेबरशिप डाउन हो चुका है, ठीक है। अभी तक हमारा पूरा ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, अभी तक तो हम लोगों ने खाली MD5 एनेबल किया है। अभी हम लोगों को की चेन को भी मैप करना पड़ेगा, ठीक है। सो आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन, की चेन का नाम क्या है हमारे इसको, ठीक है। अगर की चेन का नाम नहीं, की चेन का नाम हमारा CCNP है, की स्ट्रिंग का नाम सिस्टम, करेक्ट। तो की चेन कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर यूज करते हैं, ERP, उसका ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 100, और अभी हमें लास्ट में डालना है की चेन का नाम, की चेन का नाम है CCNP, डन। हाँ सर, अभी शो रन इंटरफेस इथरनेट 0/0, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑथेंटिकेशन लगा दिया। ऑथेंटिकेशन लगाने के बाद यहाँ पे इनका ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, मतलब यहाँ पे एक साइड में सिक्योरिटी है, दूसरे एंड में सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए लॉग आ गया हमें। लॉग क्या हो गया, पीयर टर्मिनेशन फेल्ड, जो तुम्हारा नेबरशिप है वो डाउन हो गया। अगर मैं R1 के ऊपर शो आईपी राउट चेक करता हूँ तो अभी राउट्स नहीं है, बिकॉज R1 एंड R2 के बीच की जो नेबरशिप थी वो तो टूट गई, ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई, तो R1 R2 के पास नहीं जा पा रहा है, R2 R1 के पास नहीं जा पा रहा है। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग जा रहा है, राइट, बिकॉज ये पॉइंट टू पॉइंट के थ्रू जा रहा है, लेकिन अगर मैं पिंग करता हूँ 20.20.20.20, वो जाएगा ही नहीं, बिकॉज R2 अपने नेटवर्क शेयर ही नहीं कर रहा है, राइट, गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स जंप टू द R2 इंटरफेस इतने 0/1। मुझे लगता है ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो इसलिए मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, बिकॉज दोनों साइड में सेम ही कॉन्फ़िगरेशन करना है, ओके, डन। फिर से एक लॉग जनरेट होगा, देखो एक लॉग जनरेट हुआ, हाँ मतलब फिर से चालू हो गया, यस, लॉग जनरेट हुआ, नहीं फिर से चालू नहीं, लॉग पढ़ना कभी भी। तो ये क्या बोलता है, ड्यूअल नेबरशिप हो गया, नेबर एक्सचेंज हो गए, ERP 100 चल रहा है, सेकंड थिंग नेबर 1.1.1.1 के साथ मैप हुआ है और इनका नेबरशिप अप हुआ है, न्यू एडजेसेंसी फाउंड, गॉट इट। अभी R1 के ऊपर मैं शो IP राउट चेक करता हूँ तो फिर से मेरे सभी राउट्स आ गए, हाँ सर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक चीज करके दिखाता हूँ, इन केस R2 के पे जा रहा हूँ, इंटरफेस इतना 0/1, यहाँ पे CCNP जो कमांड चलाया हम लोगों ने, हाँ बोलो सर, आपकी स्क्रीन में कुछ अलग ही आ रहा है सर, अलग आ रहा है मतलब, मतलब लाइनिंग 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 कुछ तो, एक मिनट मैं इसको फिर से शेयर करता हूँ, अभी दिख रहा है प्रॉपर, हाँ सर अभी दिख रहा है, ओके। अभी मैं राउटर टू के ऊपर हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड कमांड डाला था CCNP, तो मैं एक काम करता, जस्ट
कंसिडर करो मैंने गलती से यहाँ पे CCNA डाल दिया, गलत नाम डाल दिया, तो क्या होगा? नहीं होगा सर, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, करेक्ट बात है। देखो नेबरशिप ब्रेक होगी, इनकी फेलियर होगी, सो आईपी राउट चेक कर रहा हूँ तो राउट्स भी चलेंगे बिकॉज नेबरशिप भी ब्रेक होगी, तो होगा ही नहीं कुछ। तो अभी मैं R1 के ऊपर यहाँ पे बैकेंड में हम लोग चेक करते हैं डिबग ERP पैकेट्स, इंटर करो, ठीक है? तो ये ERP के पैकेट्स हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको ना मैं अनडिबग ऑल करके भी दिखाता हूँ। ये देखो लॉक्स पढ़ो, ये लॉक्स ये कंटिन्यू आते ही रहेंगे, पढ़ो वो लॉक्स क्या बोल रहे हैं। मिसिंग ऑथेंटिकेशन, जो हमारा ऑथेंटिकेशन है वो मिस हो गया है, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन हो चुका है, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉक्स रहन देता हूँ चालू, ठीक है? अभी वो तो समझ में आ गया मिसिंग ऑथेंटिकेशन आ रहा है। इंटरफेस इतने 0/1, तो इसको CCNP कर देता हूँ मैं, ठीक है? सबसे पहले तो उसको हटा देता हूँ, जो CCNA था उसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे CCNP कर देता हूँ केस सेंसिटिव फॉर्मेट में, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो लॉक्स, देखो क्लियर हो गया इनके बीच में, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ब्लॉकिंग क्लियर, ठीक है? सो R1 के ऊपर शो आई पी राउट चेक करता हूँ मैं, आगे आगे सभी राउट्स, बिकॉज इसके बीच में पीयरिंग हो गया, करेक्ट? तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोगों को और डिटेल में स्टडी करना है, अनडिबग ऑल कर देता हूँ, अदरवाइज ही चलते रहेगा, तो कभी कभी हमें और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो हम लोग इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसको डिबग IP पैकेजिंग बोलते हैं, डिबग मतलब जो हमारे बैकएंड में चलता है वो, ठीक है? तो इसका हमेशा से ध्यान रखना, रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर, कुछ पूछना है? नहीं सर, हो गया सर, मतलब मैं करके देखूंगा सर अभी, लेकिन वो iOS वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेगी क्या सर? हाँ मैं शेयर कर दूंगा आपको, वो डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है? हमारा समराइजेशन हो चुका था, राइट? तो हमें समराइजेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है। अभी ERP में कौन सा टॉपिक बचा है? एक मिनट, आपने नेम मोड ERP वगैरह कभी सुना है? नेम मोड ERP, हाँ सर, मतलब 100 की जगह नेम डालते हैं उसमें, करेक्ट? बट वो कॉन्फ़िगर कैसे होता है वो पता है आपको कुछ? नहीं सर, कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं पता। ठीक है, अभी हम लोग नेम मोड ERP करते हैं, तो R1 एंड R2 से मैं ERP हटा ही देता हूँ, नो राउटर ERP 100, हटा दिया। सेम एज राउटर 2 से भी हटा देता हूँ, नो राउटर ERP 100। ये मोस्टली CCA का टॉपिक है, लेकिन ERP ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, तो हम लोग यही पे कवर कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सर, जो ऑथेंटिक की है वो भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, शोरन पाइप सेक्शन की, नो की चेन CCNP, नो की 1, नो की स्ट्रिंग, ठीक है? आई गेस निकल ही जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरफेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन किया था वो भी हटा देते हैं, हट गया ऑटोमेटिकली। देखो हम लोगों ने की हटा दिया ना, वो सब हट गया। नाउ अभी हम लोग कर रहे हैं नेम मोड ERP, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो शो IP राउट नहीं है कुछ भी, R2 के ऊपर भी देख लो कुछ भी नहीं है, राइट? ओके, वेरी सिंपल, दैट विच इज कॉल्ड एज अ 64-bit फॉर्मेशन ERP कॉन्फिगरेशन। राउटर ERP क्वेश्चन मार्क डालोगे तो यहाँ पे आता है नंबर, नेम नॉट नंबर, नंबर तो नॉर्मल है, नेम, ठीक है? तो मैं नेम डाल देता हूँ CCNP, ओके? यहाँ पे जब मैं कॉन्फिगर करता हूँ तो दैट कमिंग अंडर द एड्रेस फैमिली, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, राउट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ना अलग अलग तरीके की फैमिलीज होती है, एक IPv4 फैमिली होती है,
VPN V4 फैमिली होती है, VRF फैमिली होती है, ऐसे मल्टीपल फैमिलीज होती है. तो यहाँ पे हम लोग जो फैमिली की बात कर रहे हैं दैट्स द एड्रेस मेमोरी विच इज नॉट रिलेटेड टू VPN V4 एंड ऑल, बट हमें पता होना चाहिए. एड्रेस मेमोरी ये कमांड मोड होता है जो हम लोग ESLP 64-bit फॉर्मेशन में क्वालिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. तो एड्रेस फैमिली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा IPv4 कॉन्फिगर कर दे या IPC. तो हम लोग IPv4 कॉन्फिगर कर दे. उसके बाद ये पूछता है ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर. ठीक है, ESLP प्रोटोकॉल है, ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर पे ही वर्क करेगा. तो यहाँ पे हम लोग ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर डालेंगे, 100, 200 कुछ भी डाल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे 100 का यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे तो यहाँ पे सबसे पहले वो पूछता है हमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का एडवर्टाइज करना है. तो यहाँ पे मैं डालता हूँ नेटवर्क. कौन सा नेटवर्क है? 1.0.0.0. सेकंड नेटवर्क 10.0.0.0. डन. हाँ सर. ठीक है, सेम थिंग वी हैव टू डू इट ऑन राउटर 2. तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ESLP का कॉन्फिगरेशन. शो रन पाइप सेक्शन ESLP. तो ये जैसे का वैसा आएगा. तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेटवर्क 2.0.0.0, नेटवर्क 1.0.0.0. देखो नेबरशिप आ गई. हाँ ओके, उसके बाद नेटवर्क 20.0.0.0. ठीक है, अभी जब मैं यहाँ पे चेक करता R1 के ऊपर शो IP रहा हूँ तो आई कैन सी द नेटवर्क विच इज आई कैन सी द नेटवर्क आ रहे. ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है 10 का नेटवर्क, मतलब यहाँ पे नेबरशिप एक्सचेंज हो रही है. अभी यहाँ पे बात आती है यहाँ पे तो चला रहा हूँ ESLP कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो ये तो है मेरा 64-bit फॉर्मेशन. अगर मैं यहाँ पे MD5 चलाता हूँ तो MD5 इट विल नॉट वर्क. गेटिंग माई पॉइंट? हाँ. तो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन वर्क करता है विच इज कॉल्ड एज अ SHA ऑथेंटिकेशन, उसको HMAC SHA ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो HMAC SHA ऑथेंटिकेशन ये प्रोटोकॉल के अंदर चलता है ना कि इंटरफेस पे चलता है. तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें की बनाना पड़ेगा. हम लोग की बनाते हैं, की चेन CCNP, की 1 की स्ट्रिंग सिस्को. ठीक है, तो रन पाइप सेक्शन की. तो मैं इसको सेम एज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. सर एक मिनट रुके. हाँ हाँ सर. तो इस साइड में भी मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ सेम की. मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ओके, नाउ जब भी हम लोग 64-bit फॉर्मेशन ESLP चलाते हैं सो मेक श्योर दैट कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू डू इट ऑन अंडर द राउटिंग प्रोटोकॉल. ठीक है, तो राउटर ESLP CCNP. ओके, उसके बाद जो कमांड थी हमारी एड्रेस फैमिली IPv4 ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 100. ओके, AF इंटरफेस मतलब एड्रेस फैमिली इंटरफेस. ठीक है, समझ में आइए. हाँ सर. ओके, AF इंटरफेस, एड्रेस फैमिली इंटरफेस. इंटरफेस कौन सा है? इथरनेट 0/0 R1 के ऊपर. तो यहाँ पे लिखो इथरनेट 0/0. ओके, ऑथेंटिकेशन कौन सा है? मोड. मोड क्वेश्चन मार्क डालो. तो यहाँ पे MD5 एंड HMAC SHA दोनों है. हम भी MD5 का यूज़ नहीं कर रहे, हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं चलाएंगे, लेकिन हमें और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑथेंटिकेशन लगाना है इसलिए मैं HMAC SHA का यूज़ करता हूँ. एंटर, सॉरी HMAC SHA और पासवर्ड नेक्स्ट थिंग. देखो नेबरशिप डाउन होगी. हाँ सर. ओके, ऑथेंटिकेशन मोड ESLP, सॉरी हम लोगों ने ये तो कर दिया. ऑथेंटिकेशन की चेन का नाम क्या था हमारा? CCNP और उसके बाद एंटर. ठीक है, दो ही कमांड है, देख लो यहाँ पे गौर से. ठीक है, सेम चीज मुझे यहाँ पे कॉन्फिगर करना है राउटर 2 के ऊपर. तो राउटर 2 के ऊपर ये दोनों चीज तो सेम ही आएंगी. तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. इंटरफेस चेंज होगा, AF इंटरफेस
0/1 बिकॉज यहाँ पे अभी नेबरशिप डाउन हुई है, यहाँ पे देखो शो आईपी राउट 20 का राउट्स नहीं आ रहा है, राइट? हाँ सर, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सेम कमांड यहाँ पे डिप्लॉय करने वाला हूँ, मैच हो गया इनका पासवर्ड, तो हमारा नेबरशिप अप आना चाहिए। तो देखो नेबरशिप अप आया है एंड डू एडजेसेंसी फाउंड शो आईपी राउट, तो यहाँ पे देखो मुझे नए राउट्स देखने को मिल रहे हैं। गॉट इट? हाँ सर, दिस इज हाउ वी हैव टू कॉन्फिगर डिफॉल्ट आउट इन, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी सॉरी पड़ेगी। आई 64-bit फॉर्मेशन ई आर पी। एक काम करो आज के लिए इतना ही करते, अदरवाइज ज़्यादा वो सर के ऊपर हो जाएगा। आज के 3 प्रैक्टिकल करो, कंसेप्ट समझ समझ के करो। द फर्स्ट वन इज द डिफॉल्ट आउट इन ई आर पी, द सेकंड वन इज द ई आर पी ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ आई पी वी फॉर MD5, ओके? देन द लास्ट वन इज 64-bit फॉर्मेशन ई आर पी एंड नेक्स्ट 64-bit फॉर्मेशन ई आर पी ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ HMACCHA। हाँ सर, ठीक है, ये करना। वीडियो देख देख के करो, अपने नोट्स बनाओ, लिखो वहाँ पे, बिकॉज कैसे कि कभी कभी हमेशा वीडियो तो नहीं देख सकते ना, तो नोट्स रेफर कर सकते 5-10 मिनट में, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी फोकस करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते, सो मिलते कल। कल नहीं, डायरेक्टली हम लोग संडे को मिलेंगे, बिकॉज मंडे को मैं थोड़ा सा मेरा ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग शिफ्ट चेंज करूंगा, तो हम लोग बात करते हैं उसके रिगार्डिंग भी। ठीक है, हाँ, तो और कल, आज और कल में पूरे प्रैक्टिकल जितने भी हुए ना, सबके सब प्रैक्टिकल्स करो, किसी में भी छोटा बड़ा डाउट आ रहा है मुझे पूछो, ठीक है? क्योंकि वो पेंडिंग मत रखो, आगे वाले टॉपिक्स उसी के ऊपर डिपेंड है। हाँ सर, और सर ठीक है, वो चलो ये फिर। सेंड कर देना सर मुझको, मतलब iOS के हाँ, लिंक डाउनलोड करके वो देखता हूँ कैसे करना। मैं सेंड कर देता हूँ, दोनों कर देता हूँ आज ही। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। हाँ सर।